अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं उर्दू न्यूज़ नेटवर्क। मैं हूं अली सरवर। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइन। परवेज़ इलाही की 3 MPO के तहत गिरफ्तारी का ऑर्डर मौतल। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने साबिक वज़ीर-ए-आला पंजाब को रहा करने का हुक्म दे दिया। डीसी इस्लामाबाद समेत फरकैन को मंगल के लिए नोटिस जारी। आइंदा समाअत तक जवाब तलब। अदालत ने परवेज़ इलाही को आइंदा समाअत पर अदालत के सामने पेश होने की हिदायत कर दी। फौज और हुकूमत मिलकर माशी बहाली के लिए काम कर रहे हैं। हुकूमत के फौज से बेहतरीन ताल्लुकात हैं। निगरान वज़ीर आज़म अनवार अल-हक काकड़ की गैर मुल्की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, सऊदी अरब और मशरक़ वुस्ता पाकिस्तान में 25-25 अरब डॉलर की सरमायाकारी करेंगे। 2 या से ज्यादा बिजली तकसीम कार कंपनियों की फौरी निजकारी की जाएगी। बिजली और टैक्स के शोबों में असलाहत की जरूरत है। सुबह सिंध के जिला कश्मोर में कच्चे के इलाके दुरानी बहर में पुलिस का एक्शन। 3 मगवी बाजियाब करा लिए। SSP कश्मोर अमजद शेख का कहना है कि पुलिस को इत्तला मिली कि डाकू मगवियों को एक से दूसरी जगह मुंतकिल कर रहे हैं। पुलिस मौके पर पहुंची तो डाकुओं ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी फायरिंग से डाकू मगवियों को छोड़कर फरार हो गए। निगरान वज़ीर आला सिंध ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज ने मोबाइल फोन को मुल्ज़िमान से बचाने का आसान तरीका बता दिया। कहते हैं, मोबाइल फोन अंदर वाली जेब में रखें, शहरी खुद भी हमारी और पुलिस की मदद करें। मोबाइल रखें ऐसी जगह जहां से चोरी ना हो सके। भारतीय क्रिकेट बोर्ड के वफद के एजाज में गवर्नर हाउस लाहौर में शाही का अहतमाम। गवर्नर पंजाब, चेयरमैन PCB, मैनेजमेंट कमेटी जका अशरफ, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश के खिलाड़ियों की भी शिरकत। PC क्या नायब सदर राजू शक्ला ने कहा कि कई बार लाहौर आए, यहाँ की मेहमान नवाजी, लोगों का प्यार आपको हैरान कर देता है। क्रिकेट लोगों को करीब लाती है। अमेरिका में कोरोना की वबा में एक बार फिर इजाफा। अमेरिकी खातून अव्वल जल बाइडन का कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक 72 साल जल बाइडन को बीमारी से मुतालिक मामूली अलामत है। इस दौरान वो घर पर ही रहेंगी। 80 साल सदर बाइडन का कोविड टेस्ट मनफी आया। सदर की मुकम्मल निगरानी जारी रहेगी। और पाकिस्तान वुमेंस क्रिकेट टीम ने जनूबी अफ्रीका वुमेंस के खिलाफ T20 सीरीज में वाइट वॉश कर दिया। कौमी वुमेंस ने तीसरे T20 में दिलचस्प मुकाबले के बाद 6 रन से कामयाबी हासिल कर ली। सिदर आमीन और बिस्मा मारूफ 39-39 रन बनाकर नुमाया रही। हदफ के ताकुब में जनूबी अफ्रीकी वुमेंस टीम मुकर्रबी 20 ओवर्स में 5 विकेटों पर 144 रन बना सकी।